ठीक नहीं है आगे
अर्थ विप्रघर्षा क्या बोल रहा है? क्या गौ बोल रहे? हाँ, तो ये पहले सूत्र ठीक बोलो, कि कौन सा आप सूत्र बोला है, वाक्य बोला, मुझे समझ नहीं आया। हाँ वही बोलो। समवाये पारद और बल्यम अर्थ विप्रकर्षा बाधिगेव श्रुतिर्नित्या समाख्यावाद्यते सदा साधगत्वं चापेक्षया प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि, अंग और प्रधान का संबंध बोध कराने वाले विधि को विनियोग त्रिविधि कहते हैं। और उसमें अंग का लक्षण दिया, परार्थ शेष, ये अंग जो है शेष होता है, शेष नाम से कहते हैं अंग को, वो परार्थ होता है। इसका मतलब दूसरे के साथ संबंध करके ही का प्रयोजन सिद्ध होता है, परार्थ शेष, परार्थ होता है शेष, ऐसा शेष और शेषी का संबंध यही विनियोक्त विधि है। तो ऐसे विनियोक्त विधि में जैसे वाक्य आया दधना जुहोती, क्या वाक्य दिया उदाहरण? दधनाजुहोदी, तो दधनाजुहोदी में कैसे अंगांगी भाव होगा इसको निश्चय करना है, पूर्वापर संबंध इसका कैसा हो, उसके लिए ये छह प्रमाण दिया गया। जैसा तर्क संग्रह में चार प्रमाण है वैसा नहीं है यहाँ, ये प्रमाण केवल ये विनियुक्त विधि के लिए, विनियोक्त्री विधि को सिद्ध करने का ही इसका तात्पर्य है। यद्यपि इसको अन्यत्र भी लगाया जाता है, किंतु यहाँ विनियोक्त्री विधि के संबंध में दिया गया। उसमें छह प्रमाण में पूर्व पूर्व बलवान होगा, ये दो प्रमाण के तुलना करने पर
दौर्बल्यम का, उत्तर उत्तर दुर्बल होगा, पूर्व पूर्व बलवान होगा, ऐसा श्रुति सबसे बलवती है और समाख्या सबसे दुर्बल है, इस प्रकार से इसका संबंध समझना। तो ये अभी आगे इसका लक्षण देखिए, तत्र निरपेक्षोरवः श्रुतिः, सा च त्रिविधा, विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री च, तत्र आद्या लिङ्गाद्यात्मिका, द्वितीया व्रीह्यादिश्रुतिः, यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्ध प्रदीयते सा विनियोक्त्री, तत्र शब्द का अर्थ छह प्रमाणों में, बीच बीच में तत्र आता है पूर्व के साथ संबंध करना, छह प्रमाण में कौन कौन है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये जो छह प्रमाण है इनमें सबसे पहला श्रुति है। तो श्रुति को इसलिए श्रुति कहते हैं, जो सुन करके अध्ययन किया जाता है, तो श्रवण से प्राप्त है श्रुति, श्रुदाद में ये स्त्रीलिंग प्रत्यय ती लगा हुआ श्रुति बना है। तो अत्र निरपेक्षो रवः, ये लक्षण है, निरपेक्ष रव को श्रुति कहते, अन्य की अपेक्षा नहीं रखता हुआ जो शब्द है वो श्रुति है, रवः का अर्थ होता है शब्द, अन्य की किसी की अपेक्षा नहीं रखता, यहाँ अन्य की किसी की अपेक्षा का मतलब, यहाँ अन्य शब्द से अन्य जो पांच प्रमाण है उसको लेना है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में श्रुति अन्य किसी के आश्रय नहीं लेती, ये निरपेक्ष शब्द से इसके अर्थ ऐसा करना, प्रमाणांतर निरपेक्ष, ये यहाँ प्रमाण शब्द से इन छह को लेंगे, तो अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते हुए जो स्व शब्द से ही उस शेष शेषी भाव को बोध करा देती है ऐसे वाक्य को श्रुति करती है। इसका लक्षण आदि आगे देंगे, इसका मतलब वो सुनने से ही वो अंगांगी भाव का बोध होता है और लिंग आदि की आवश्यकता नहीं होती, कितना ही उसका लक्षण है, ठीक है। तो अपेक्षा शब्द से किसका लेना है, प्रमाण को लेना, निर्गदा अपेक्षा, निर्गदा अपेक्षा, निरपेक्षा ऐसा, तो यहां से अपेक्षा निकल गई, निरादय क्रांतादि, तो निरपेक्ष रव, वो रव मन शब्द है, शब्द उसी वही स्थिति है ना, साच त्रिविधा, वो तीन प्रकार की है ये श्रुति, सा से लिया, साच त्रिविधा, विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री च, ये तीन प्रकार का विभाजन किया, एक का नाम है विधात्री, दूसरा का अभिधात्री, विधान करने वाले होने से विधात्री, विधत्ते भावनादिकम बाध्यते इति विधात्री, और अभिधात्री है अभिधया स्वार्थम प्रतिपादयित्री, अभिधा के द्वारा
अपने अर्थ को पहुंचा देती है, ये अभिदात्री। विनियोक्त्री च, विनियोक्त्री तीसरे प्रकार के, विनियोग करने वाली, इसके संबंध में आगे विस्तार करेंगे, विनियोक्त्री का यहाँ विस्तार करेंगे। तो सामान्य लक्षण बोलते हैं विधात्री कौन है, तत्र आद्या लिंगाद्यात्मिका, सबसे पहले वाले लिंगाद्यात्मिका है। लिंग मैंने जब पहले शाब्दिक भावना में कहा हुआ विधिलिंग, विधिलिंग आदि रूप में जो है उसको विधात्री कही। तत्र आद्या लिंगाद्यात्मिका, द्वितीया व्रीह्यादि श्रुधि, दूसरी है व्रीही आदि श्रुति। मैंने क्या है कि व्रीही प्रोक्षति, ऐसे वाक्य व्रीही नवहंति, ये सब श्रुति है। व्रीही प्रोक्षति, व्रीही नवहंति इत्यादि जो व्रीही आदि श्रुति है इसको कहते हैं अभिदात्री स्तुति, अभिदात्री। तीसरा है यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंध प्रदीयते सा विनियोक्त्री, विनियोक्त्री का पूरा लक्षण है जिसके श्रवण से ही संबंध की प्रदीति हो जाती है, यानी वो पूर्वापर संबंध का ज्ञान हो जाता है, वो विनियोक्त्री है। और विनियोक्त्री तीन प्रकार की होगी, वो आगे विस्तार करेगी विनियोक्त्री। ये सब केवल श्रुति का विभाजन है, इसके विधात्री और अभिधात्री के बारे में बाद में कहेंगे, अभी विनियोक्त्री के बारे में चर्चा करें, क्योंकि अभी विनियोक्त्री का प्रसंग चल रहा है इसलिए विनियोक्त्री श्रुति के बारे में कहेंगे। अच्छा, इसमें जो आगे हिंदी टीका है, अगले पृष्ठ में 67 में, उसमें दूसरा जो है वो पैराग्राफ में कहा श्रुति के तीन भेद का विस्तार। यहाँ श्रुति के वैदिक शब्दों का पर्याय सा होने से ग्रंथकार ने एक प्रकार से पूरे वेद का ही तीनों भागों में विभाजन कर दिया है। एक अर्थ के अनुसार श्रुति मन पूरा वेद होता है, इस दृष्टि से लेंगे तो पूरा वेद में ये श्रुति ही सुनाई पड़ती है, इसका मतलब निरपेक्ष और नवा श्रुति, किंतु ये ठीक नहीं है। यहाँ इस प्रसंग में श्रुति का अर्थ विशेष रूप से किया गया, सारे वेद को लेकर के नहीं, निरपेक्ष रवा श्रुति ये श्रुति लिंग वाक्य इत्यादि में आया हुआ का अर्थ किया। विधान करने वाली होने से विधात्री नाम दिया गया, उसका पहला विभाजन है विधात्री, विधान करती है। का उदाहरण है ज्योतिष्टो में स्वर्ग काम यजेत अग्निहोत्र ज्योति, ये सब विधात्री श्रुति अधिकार विधि है ना। ये ज्योतिष्टो में स्वर्ग काम यजेत, यजेत पद है, यजेत पद में जो ता प्रत्यय है, ता में क्या क्या है, आख्यात और लिंग दो है, ये शाब्दिक भावना की बात। तो इसमें जो आख्यात और लिंग में जो लिंग लकार है ये विधान करते, यजेदा किससे मालूम पड़ रहा है, यजन करो, यजन करें, कैसे मालूम पड़ रहा है, वो ता प्रत्यय से आपको मालूम पड़ रहा है, इसलिए श्रुति सुनने से ही वो करना चाहिए ये अर्थ हो जाता है, क्योंकि लिंग लगार का अर्थ यहाँ अभीष्ट है। तो विधि निमंत्रण आमंत्रण अभीष्ट संप्रश्न प्रार्थना अर्थेशु जो विधि है वो विधि यहाँ लिया गया है, इसलिए विधान करती है वो श्रुति शब्द से ही, इसलिए विधात्री कहा। तो ऐसे शब्द सर्वत्र आएंगे जहां भी विधान करना हो, ऐसी ये विधात्री के बारे में कहा। आगे दूसरे अगले पृष्ठ में लिखते हैं, अगले पृष्ठ में नहीं अगले पैराग्राफ, अभिदात्री का दूसरा नाम है अभिदानकर्त्री, अभिदात्री भी बोल सकते हैं, अभिदानकर्त्री भी बोल सकते हैं। तो अभिदात्री श्रुति वैदिक वाक्य में आए उन शब्दों को कहते हैं जो कोई विधान नहीं करते अपितु किसी वस्तु मात्र का अभिधान करते, ये विशेष है कि अभिदात्री क्यों कह रहे हैं कि ये वस्तु मात्र का अभिधान करेगी, विधान तो और कोई
शब्द करेगा। जैसे व्रीही नवहंदी, व्रीहीन प्रोक्षदी आदि में व्रीहीन पद का अर्थ केवल धान के दाने। यहाँ अवहंदी भी क्रिया है और व्रीहीन भी। तो व्रीहीन में अभिधान के नाम से व्रीही नाम के जो दाना है चावल दाने, उसी को कह रहा, तो उसका विधान कर रहा है। क्या करना है? उसका उसको कूटना चाहिए। अवहंदी का मतलब कूटना, तो व्रीहियों को कूटना चाहिए कहता है। तो ये भी व्रीहियों को कूटने के लिए व्रीही का नाम ले लिया। इसी प्रकार व्रीहीन प्रोक्षदी, व्रीहियों को प्रोक्षण करना चाहिए कहा, तो वो भी नाम लेकर के कहा। ये दान के बारे में संबंध करने से ये अभिधान, अभिधान का अर्थ होता नाम, तो नाम बोल देती है इसलिए। और विनियोक्त्री श्रुति उन शब्दों का ज्ञापन कराती है जिनको सुनते ही अंग का प्रधान पदार्थ के संबंध प्रकट हो जाता है। यह अर्थ बता दिया कि दोनों का संबंध उसमें प्रकट हो जाएगा, कि आप और कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं, निरपेक्ष ही आपको दोनों का संबंध मालूम हो जाएगा। अब ये किस प्रकार मालूम होगा उसके लिए आगे पंक्ति में उसका विस्तार करना चाहते हैं। सावित्रविधा विभक्तिरूपा एकाभिधानरूपा एकपदरूपाच्चेति तत्र विभक्ति श्रुत्या अंगत्वं यथा व्रीहिभिर्यजतेति तृतीया श्रुत्या व्रीहीणां यागांगत्वं तदपि पुरोडाश प्रकृतितया यथा पशोर्हृदयादिरूपहविप्रकृतया यागांगत्वं है। इसको थोड़ा सावधानी से समझना है क्योंकि धीरे धीरे वो एक एक अंदर खोल करके जाएंगे। अभी ये जो विनियोक्त्री श्रुति है इसका सामान्य अर्थ है कि शब्द श्रवण से ही अंगांगी बोध हो जाएगा। शब्द से श्रवणादेव संबंध प्रदीयते का, शब्द के श्रवण मात्र से संबंध की प्रदीति होगी। इसका ही तीन विधान त्रिविध है वो विभक्ति रूपा एक अभिधान रूपा एक पद रूपा चाहिए। विभक्ति का रूप देकर इसका मतलब विभक्ति से ही संबंध करके अंग अंगी भाव समझ लेगा। जैसा कल कहा था कि दध्नादिहोदी में तृतीया विभक्ति है, तो प्रायण तृतीया विभक्ति ही अंग का बोध कराता, तो विभक्ति वो अंग का संबंध कराएगा। जैसे यहाँ उदाहरण देंगे, ये विभक्ति रूपा श्रुति करते। अच्छा, और एकाभिधान रूपा, एक ही अभिधान से मन समान अभिधान के रूप में, समान अभिधान दोनों में बैठा हो, समानम च तथा अभिधानम च एकम च तथा अभिधानम च, ऐसा अर्थ करना। एक ही अभिधान रूप है, एक शब्द से ही, एक से ही उसका अर्थ मालूम पड़े, इसको एकाभिधान रूपा कहेंगे। और या एक पद रूपा चेत, और एक पद से ही उसका अर्थ निकाला जाए। जैसा ये यजेदा, यजेद पद से उसका अर्थ निकालते हैं,
और एकाभिधान रूपा पशुना इत्यादि आएगा, और ये विभक्ति रूपा है ब्रीहिभिः। ये ब्रीहिभिः बोलने से तृतीय ब्रीहिभिः यजेता, तृतीय विभक्ति से अंगांगी बोध हो गया। और ये एकाभिधान रूपा पशुना, इसका पशुना यजेता ये आगे बताएंगे उसमें एकाभिधान कैसा रहेगा। और यजेता एक पद रूपा विधातृस भी है ना, एक पद रूप है, एक पद है वो उसका विनियोग दिखाता, एक पद से यजेता पद से। तो जितने पद है या जितने विभक्तियां है शेष शेष अभिधान जितने भी करते हैं, तो एक ही पद शेष शेषी का बोध कराता है, उसी को एक पद कहते हैं। एक ही पद से शेष शेषी का बोध हो रहा है, ऐसे स्थिति में उसको एक पदा कहेंगे। तो ये जेदा इत्यादि एक पद है, क्योंकि ये जेदा जो पद है सुक्तिगंत से उसको पद समझा है, तिंगंत है इसलिए वो ये जेदा पद हो। इस प्रकार से तीन है, इसका उदाहरण आगे बता रहे। तत्र विभक्ति श्रुत्या अंगत्वम, तो उसके लिए पहले वाले को उदाहरण दे रहे, विभक्ति श्रुति से अंग का बोध होना चाहिए, साक्षात अंग का बोध विभक्ति श्रुति से होगा। यथा जैसे ब्रीहिभिः यजेत इति तृतीया श्रुत्या ब्रीहीणां यागांगत्वम्। ब्रीहिभिः यजेत इस वाक्य में जो तृतीया श्रुति है, इस तृतीया श्रुति के द्वारा, तृतीया विभक्ति भिस लगा हुआ है तो ये इस विभक्ति के द्वारा ब्रीहीणां यागांगत्वम्, ब्रीही का यागांगत्व मालूम होता है कि तृतीय श्रुति आ गया, वो दर्श पूर्ण मास याग है, वहाँ दर्श पूर्ण मास का अंग है ऐसा मालूम पड़ता है। ब्रीहिभिः यजेत, तो तृतीय श्रुति ही वहाँ अंग बोध कराता है, वो परार्थ शेषा से ये परार्थ के लिए है ऐसा मालूम पड़ेगा तृतीय विभक्ति। अच्छा, इसमें ये कैसे ब्रीहिभिः यजेत, ये कह रहे हैं कि व्रीहियों से यजन करेंगे, तो क्या मतलब है कि तदभी, तदभी माने ये व्रीहियों से यजन करने का जो है चावल से यजन करना बोला, किंतु बीच में तदभी पुरोडाश प्रकृतया, ये पुरोडाश नाम के द्रव्य को बना के उसका हवन होता है, यानी व्रीही को सीधा नहीं हवन करते, चावल के दाने को सीधा हवन नहीं करते, चावल के दाने से पहले पुरोडाश बनाए, कूटेंगे, कूट करके पुरोडाश बनाए, इसके बीच में ये सब ब्रीहिभिः यजेत आया और ब्रीहिण अवहंति ये सब आया। तो अब ऐसा करके वो बनाएंगे, बनाने के बाद वो पुरोडाश बनेगा, देवताओं का आगे रखा जाता है इसलिए उसको पुरोडाश बोलते हैं। पुरोडाश बन जैसा परोठा जैसा बनाते हैं वैसा बनाएंगे, मोटा मोटा सा उसको ऐसा टिकड़ जैसा बनाते हैं, इसी के नाम है पुरोडाश, वो डालते हैं टुकड़ा करके डालते हैं। पुरोडाश प्रकृतया, पुरोडाश का ये प्रकृति है, मन इसी से पुरोडाश बनता है, चावल के दाने को कूट करके पुरोडाश बनेगा, फिर इसके लिए मंत्र है उसी के से बनाएंगे। यथा पशोर हृदयादि रूप हवि प्रकृतया यागांगत्व, और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देते हैं, ये ब्रीहिभिः यजेत में तृतीय श्रुति से आपको मालूम पड़ा, और यदि पशु याग होगा तो पशोर हृदयादि रूप हवि प्रकृतया, पशु को सीधा याग में नहीं डाला जाता है, उसके हृदयादि रूप अंग को याग में डाला जाता है, इसलिए वो हविष बनता है। तो पशु पशुना यजेत कहने पर पशु के अंगों से यजन करें यह अर्थ हो जाता है, पशु याग में ये विशेष है। तो पशु कहने पर अनेक पशु हो सकता है, किंतु एक सूत्र बनाया चागस्तु उभय विशेषा, नहीं चागस्तु अविशेषा, ये सामान्य पशु कहने पर चाग मृग होता है, चाग माने ये हमारे बकरी जो होते, बकरी को छाग, चाग से वो होगा, चाग वहां सामान्य होगा, ऐसा हवन करने के लिए कहा। तो ये कैसा मालूम पड़ा, तृतीय श्रुति से, तृतीय विभक्ति जो श्रुति है उससे मालूम पड़ा, तो ब्रीहिभिः तृतीय है, इससे अंगांग बोध हो गया, ये इस याग का अंग है ऐसा बोध हो गया। अच्छा,
अब जो है इसमें तृतीया श्रुति के और कुछ उदाहरण दे इसके विस्तार के लिए ठीक से समझने के लिए। अरुणया पिंगलाख्याये कहायिन्या गवा सोमं गृह्णाति। अस्मिन् वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्या क्रयाङ्गत्वम्। तदभिगोरूपद्रव्यपरिच्छेदद्वारा न तु साक्षात् अमूर्तत्वात्। एक प्रसंग ला रहे हैं कि यहां प्रसंग ऐसा है कि सोमलता सोमयाग के लिए सोमलता चाहिए तो सोमलता खरीदने जाता है, जिसके पास सोमलता है उसके पास खरीदने जाएगा। तो सोमलता खरीदने के लिए क्या करना चाहिए तो वो कहते हैं एक गाय देकर के खरीदना चाहिए। सोमलता के क्रय करते समय गाय को जिसके पास सोमलता है उसके पास देगा और वो आपको सोम का विक्रय करेगा। कोई फ्री में सोमलता देंगे तो नहीं ले सकते, ऐसा है वो नियम है, वो देख करके खरीदना पड़ेगा। वो पैसा देके नहीं खरीद सकते, गाय देख करके ही खरीदना, ऐसे विधान है। तो कोई कहेंगे नहीं आप सोमया कर रहे हैं हम फ्री में सोमलता दे देंगे, नहीं होगा, वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये गाय को ले जाना पड़ेगा, गाय को ले जाने का भी नियम है, वो कैसा ले जाना है इत्यादि, हाँ विशेष नियम है। तो वो गाय का कुछ विशेषण दिया, ऐसा वैसा गाय नहीं जो दूध नहीं देता हो, हाँ ऐसे गाय है फिर जो हमारा कठोपनिषद में जैसा है, हाँ दुग्ध दोहा इंद्रिया वो कोई काम का नहीं है, ऐसी गाय को आप दे दिया तो पी दो तक है, अभी जितना पानी पीना है वो सब पी लिया है और जो कुछ खाना है खा लिया है, अब वो बच्चे भी नहीं देंगे खाएंगे भी पिएंगे भी, ऐसी गाय को देख करके नहीं। तो वो लक्षण युक्त गाय होना चाहिए, वो लक्षण क्या है कहे वो जाकर के कितना सोमलता लेना है उसके हिसाब से वो देंगे, ये सब नियम है। और भी चीजें देते हैं गाय उसी के साथ, इसलिए सोमम क्रीणाति कहा, सोम का क्रय करते हैं, क्रय मैंने यहाँ खरीदना, सोमलता को लेना। इसके लिए गवा गवा तृतीय आ गया, गौ शब्द का तृतीय वजन में गवाह बनाया, किंतु कैसे गवाह है कैसे गाय है तो अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायिन्या, ये तीन विशेषण लगा कि वो गाय लाल रंग की होनी चाहिए, लाल गाय होनी चाहिए, ये सब बुरा बुरा लंग के गाय होती है वही लाल गाय होनी चाहिए। और पिंग आख्या उसकी आंगे पिंग होना, पिंगल वर्ण की होनी चाहिए, पिंगलाक्षी होनी चाहिए। और एक हाइन्या एक साल की होनी चाहिए, ऐसा बूढ़ी बूढ़ी नहीं, एक साल की होनी चाहिए और पिंगाक्षी होनी चाहिए अरुणया। ये पहले गाय को लाना पड़ेगा आपको, सोमलता लाना पड़ेगा, ऐसी गाय देकर के खरीदना है। तो अरुणया पिंगाक्षा एक हाइन्या गवा। अब यहाँ समस्या क्या है कि पहले में इसमें अंतर है, पहले में भी यजेदा एक ही तृतीया आई थी, अब यहाँ जो है चार चार तृतीया, अरुणया पिंगाक्षा एक हाइन्या गवा सोमं गृह्णाति, चार है, चारों में बीस विभक्ति लगी हुई नहीं, चार में नहीं है तो ता लगा हुआ, अरुणया पिंगाक्षा एक हाइन्या, सब त्रिलिंग है। तो ये तीन में से अभी कौन सा लेना चाहिए, तीनों को लेना है कि एक को लेना है, तो कौन से विभक्ति विधान करेगी, विधान करने के हिसाब से उसका अर्थ होगा।
तो प्रश्न हुआ कि ये अरुणया में भी तृतीया में टा है, पिंगा पिंगाक्षी पिंगाक्षिया नद्या जैसा एक हाइन्या, तो ये इसमें सब में टा लगा हुआ है, तो गवा, तो अब किसको लेना है? तो इस अस्मिन वाक्य ऐसे स्थिति में क्या होगा? आरुण्यस्याभि तृतीया श्रुत्या क्रयांगत्व, ये अरुणा आदि जो रंग है ना, अरुणा अरुण लाल रंग इत्यादि जो बोला है, ये भी क्रय का अंग बनेगा। क्रय का जो क्रय करने के लिए जा रहे हैं ना, ये कर्म है, ये सोमलता खरीदना, तो सोमलता खरीदने के लिए जाते समय गाय ऐसे होने चाहिए, ये कहने पर ये अरुणा आदि भी उसका अंग बनेगा। वो किसके साथ अंग बनेगा? ये अमूर्त गुण है, तो अरुणा जो लाल रंग है कोई अलग से नहीं मिलती है ना, लाल रंग कोई द्रव्य में ही होगी, ये सब गाय के साथ संबंध करके अर्थ दे, मतलब अरुणया गवा, पिंगाक्षिया गवा और एक हाइन्या गवा, ये तीनों पद का गाय के साथ अंग होगा, फिर गाय जो है वहां मुख्य अंग बनेगा, उससे आप खरीदे, तो खरीदना तो कर्म हो। ये देखो क्रीणाति, ये है क्रीणाति माने क्रय करना चाहिए, विधि का रूप हो गया, यदि यहाँ लेट दिया है लेट अर्थ में लेना, विधि का अर्थ करेगा सोमम क्रीणाति, सोम का क्रय करे ऐसा होगा। तो यहाँ तृतीया श्रुत्या क्रया अंगत्व, ये तृतीया श्रुति होने पर ये भी अंग बने, तो तृतीया श्रुति का अंग होना निश्चित है, किंतु पहले उदाहरण में मूर्त का उदाहरण दिया था, फिर ये मूर्त द्रव्य है, दिखाई पड़ता है, ठोस पदार्थ है, किंतु अरुणया पिंगाक्षय तीनों विशेषण जो है मूर्त नहीं है, ये अमूर्त है, किसी द्रव्य में आश्रित रहेगा, तो इसीलिए गाय के साथ अन्वय करके वहां करना संबंध करना चाहिए ऐसा कहा। तद अभी इसी को स्पष्ट करते हैं, तद अभी माने ये क्रया अंगत्व, ये अरुणा आदि पद का क्रय अंगत्व बन गया, क्रय माने खरीदना, उसका अंग बन गया, कौन? अरुणा आदि पद जो क्रयांगत्व बना वह गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा न तो साक्षात, ये गोरूप द्रव्य के संबंध से ही होगा, गोरूप द्रव्य को अवच्छिन्न करके ही ये रहेगा, अन्यत्र नहीं रहेगा, इसका माने अलग से आप ला नहीं सकते, तो गाय का विशेषण हो गया ये समझ, ना तो साक्षात, साक्षात वो अंग नहीं बन सकता, गाय के माध्यम से अंग बने, जैसा ये व्रीहिवीर यजेदा भी पुरोडाशा के माध्यम से अंग बनता है, मुख्य अंग द्रव्य तो पुरोडाशा है, पुरोडाशा बनाने के लिए वहां व्रीहि चाहिए, तो प्रकृतित्व द्वारा अंग है, प्रकृति मन उसका कारण है, पुरोडाशा बनता है चावल से, इसलिए चावल जो है पुरोडाशा के माध्यम से अंग बन रहा है, उसके सीधा जो है चावल को हवन में नहीं डालते, ऐसा जो हवन द्रव्य बनाते हैं उसमें रहता है, लेकिन इसमें नहीं रहता अलग से, तथा भी इसीलिए ये क्रया अंगत्व तो भी गोरूप द्रव्य, गोरूप पहले रूप शब्द का है ना, रूप मन क्या है, हाँ ये शब्द का नाम है, रूप का अर्थ है द्रव्यम यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च, यह है ना, हाँ तो द्रव्य और देवता दो रूप है, रूप कहने पर यह समझना कोई द्रव्य है देवता हो, क्रिया भी होती है, तीन होता है। अच्छा न तो साक्षा, क्योंकि अमूर्तत्व अरुणया इत्यादि का अमूर्त स्थिति होने से ये द्रव्य देवता के संबंध के बिना नहीं हो सकता, यहाँ गवा जो है द्रव्य है, मूर्त द्रव्य है, इसके साथ संबंध करके अरुणादि का अर्थ हो जाएगा। तो ये दोनों उदाहरण तृतीया श्रुति के लिए दिया, विभक्ति रूपा विनियोक्ति विधि है, ये सारे विभक्ति के द्वारा विनियोग को बोला जा रहा है, विभक्ति के द्वारा विनियोग मैंने अंगांग के संबंध को बोध करा, ये तृतीया श्रुति है, तृतीया किसी का के साथ संबंध करेगा, जैसा गवा तृतीया श्रुति है, क्रयणम जो खरीदना जो है ना यहाँ कार्य है, तो उसका यह संबंध करता क्रयत्व के साथ संबंध करेगा, तो क्रयत्व का अंग बन करके, क्रयत्व अंग बन करके वो कार्य करता है,
इस प्रकार से विनियोक्त्री श्रुति विभक्ति रूपा में दो उदाहरण दिया, तृतीया। ये तृतीया मुख्य है, ये विनियोक्त्री श्रुति में विभक्ति श्रुति में तृतीया मुख्य है, और आगे जो कह रहे हैं ये गौण है, इसलिए तृतीया को पहले कहा फिर द्वितीया से फिर आगे बताएंगे। कई कई द्वितीया भी होते हैं, कई चतुर्थी भी अन्य विभक्ति भी होती है, इसको भी दिखाना चाहते हैं। वृक्षे व्रीहिं प्रोक्षतीति, प्रोक्षणस्य व्रीह्यङ्गत्वं द्वितीया श्रुत्या, तच्च प्रोक्षणं न व्रीहिस्वरूपार्थम्, तस्य तेन विनाप्युपपत्तेः, किन्तु अपूर्वसाधनत्वप्रयुक्तम्, व्रीहिनपोक्ष्य यागानुष्ठाने अपूर्वानुपपत्तेः, एवं सर्वेषु अङ्गेषु अपूर्वप्रयुक्तमङ्गत्वं बोध्यम्। ये शब्द आया व्रीहीन में, ये द्वितीया बहुवचन द्वितीया श्रुति है, तो द्वितीया बहुवचन में कहा व्रीहियों को प्रोक्षण करें, प्रोक्ष दिया। ये प्रोक्षण का व्रीही अंगत्व द्वितीया श्रुत्या, यहां प्रोक्षण क्रिया है, प्रोक्षण का व्रीही अंगत्व, व्रीही उसका अंग है, तो प्रोक्षण से व्रीही अंगत्व द्वितीया श्रुत्या, द्वितीया श्रुति के द्वारा है, तो द्वितीया श्रुति यहां व्रीहीन है, उससे प्रोक्षण का अंगत्व मालूम पड़ता है। अब पहले से इसका अंतर है, पहले तृतीया श्रुति के द्वारा साक्षात संबंध था, क्योंकि तृतीया विभक्ति में करण अर्थ मुख्य होता है, इसलिए उसको पहले लिया गया, और ये तो अन्य के साथ संबंध करके करण अर्थ करेगा। तो तच्च प्रोक्षणम न व्रीहि स्वरूपार्थम, बोलते ये प्रोक्षण से क्या प्रयोजन होगा, ऐसा प्रोक्षण मतलब थोड़ा सा पानी निकाल करके ऐसा छिड़क देना, प्रोक्षण होता है प्रक्षेप कर देना, तो इससे क्या प्रयोजन होगा, तो उस कहते हैं तच्च प्रोक्षण, ये जो प्रोक्षण रूप क्रिया है न व्रीहि स्वरूपार्थम, व्रीहि का स्वरूप सिद्धि के लिए नहीं है, मतलब व्रीहि में कोई विशेषता उत्पन्न नहीं करता, तो व्रीही स्वरूप सिद्धि के लिए नहीं, मतलब व्रीही का स्वरूप संबंध नहीं, इससे पानी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। तस्य तेन विना भी उपपत्ते, क्योंकि व्रीही का स्वरूप जो है ये प्रोक्षण के बिना भी उपलब्ध है, व्रीही तो ऐसा ही रहेगी, उसमें प्रोक्षण करने से क्या फर्क पड़ने वाला, इसलिए तस्य तेन विना भी उपपत्ते है, उसका उसके बिना भी उपपत्ति, ये हमारे प्रोक्षण क्रिया ना सब जगह होता है, हर जगह ऐसा प्रोक्षण करते हैं, पानी छिड़कते हैं, ऐसा करते, वो केवल हिंदुओं में है ऐसा नहीं, अन्य धर्मों में भी है, सब लोग ऐसा डाल करके कुछ मंत्र मंत्र कुछ अपने ढंग से करके फिर प्रोक्षण करते हैं, इतना पानी डालते, अब उससे क्या होता है नहीं, लेकिन करते हैं, सभी करते हैं, उनका अपना तरीका है, वो बुद्ध मत में है, जैन मत में है, सभी में प्रोक्षण क्रिया सभी मानते, तो मंदिर आदि जाने से वो जो भी प्रोक्षण करते हैं, तो इससे क्या होता है, पैसा तो कुछ नहीं होता है, वो बोलते हैं अंधविश्वास है, ये तो सभी अंधविश्वास सभी कर रहे हैं, तो कुछ तो होता है तभी तो कर रहा है, कुछ नहीं होता है तभी कर रहा है, इसका मतलब आपको क्या होता है पता नहीं, होता कुछ है किंतु उसका वो दिखाई नहीं पड़ता, क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ता। कई लोग बोलते हैं ऐसा
सिर को ठंडा करने के लिए, अपने अपने ढंग से आते लगाते हैं सिर को ठंडा करने के लिए, ऐसे तो हम नहीं चलाते, वो तो पानी डालना पड़ा, स्नान करना पड़ेगा तब सिर ठंडा होगा, हिंदू करते तो है। तो यहाँ भी ये प्रोक्षण क्रिया कर रहे हैं तो आप सोचेंगे इसका कोई फल तो है ही नहीं, ये तो केवल अंधविश्वास है, पानी में ऐसे ऐसे करके मंत्र पढ़ के जाने से क्या होता, कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में मृगी का स्वरूप सिद्धि भी नहीं है, क्योंकि मृगी तो पहले से सिद्ध है, उसमें कोई बहुत परिवर्तन कुछ नहीं होता, किंतु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, कहते हैं कि अपूर्व के साधन रूप से ये प्रयुक्त किया गया, अपूर्व सिद्ध होगा। यदि वृगियों को प्रोक्षण नहीं करेंगे तो अपूर्व सिद्ध नहीं होगा, वो वृगी प्रोक्षदि से जो अपूर्व होना था वो अंग अपूर्व नहीं हो पाए, क्योंकि अंग अपूर्व होना है, अंग अपूर्व होने के बाद फिर क्या होगा, उत्पत्ति अपूर्व में जाएगा, फिर समुदाय अपूर्व बनेगा, इत्यादि बताया ना। तो ये समुदाय अपूर्व बनने के बाद फिर फलापूर्व बनता है, अपूर्व का भेद बताया ना चार, हाँ, तो वो फलापूर्व बनने के लिए सब चाहिए, समुदाय अपूर्व अंग अपूर्व चाहिए। तो किंतु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, अपूर्व के सिद्धि के लिए ये प्रोक्षण आदि क्रिया मानी गई है, उससे कुछ विशेष होता है, तो मंत्र पढ़ के उसको करने से उसमें से वो अपूर्व उत्पन्न होगा। तो ब्रीहीन अप्रोक्ष्य याग अनुष्ठाने अपूर्व अनुभवते, इसको व्यतिरेक रूप से बोले, यदि व्रीही को अनुष्ठान नहीं करते हुए, व्रीही प्रोक्षण को नहीं करते हुए याग का अनुष्ठान करेंगे, कर्ष पूर्णमास याग संबंध करेंगे, प्रोक्षण नहीं किया, उन्होंने सोचा क्या के लिए प्रोक्षण करना है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, प्रोक्षण नहीं किया तो अपूर्व अनुभवते, अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए ये जब हवन आदि में जो भी भोजन आदि बनाना पड़ता है उसमें जब पूर्णांश आदि बनते हैं, भोग बनता है, जैसा जैसा जो कुछ भी बनता है वो उसको बनाने के विधान जैसा कहा गया है उस विधान के अनुसार बनाना है, वो हमको जैसा टेस्ट लगते हैं उस हिसाब से बनाना नहीं, इसमें बहुत गलत फहमी हो गया। कोई कई लोगों ने ऐसा प्रचार कर दिया कि आपको यदि बढ़िया खाने को लगेगा तो भगवान भी बढ़िया खाएगा, ऐसा प्रचार कर दिया, सब मूर्खों की बात है, लोग आगे पीछे पता नहीं है विधि क्या होता है, उन्होंने सोचा हमारे लिए मुख में टेस्ट लगना चाहिए तो वो भगवान भी खा ले, ऐसा समझने लगा, ऐसा समझ करके अब खीर बनाते, खीर बनाने का एक विधान है वैदिक विधान, उस हिसाब से खीर बनाना चाहिए, ये ऐसा नहीं बनाते, वो अपने लिए जो अच्छा लगता है वो माल मसाला तड़का बड़का सब उसमें डाल देंगे। ये खीर आदि में जो वैदिक विधान है ना उसमें ये काजू आदि डालने का विधान नहीं है, काजू नहीं डालना चाहिए, काजू किशमिश आदि जो डालते हैं ना वो सब डालने का विधान नहीं है, हम तो तड़का लगा के वो डाल देते हैं, वो वैदिक विधान में नहीं है, खीर बनाने का दूध पाक है और दूसरे ढंग से बनता है, वो हमारे लिए अच्छा लग रहा है बना के भोग लगा करके प्रसाद मांग के खा लेते हैं, कोई भगवान को खाएगा नहीं, क्योंकि आपने अपने हिसाब से टेस्ट के लिए बनाया, वैदिक प्रक्रिया के हिसाब से भगवान खाएगा नहीं, वो तो बनाया नहीं है भगवान के लिए, अपने लिए बनाया है। और जो सब्जी सब्जी है जो भी आप बनाते हैं उसमें आपको प्याज लहसुन खाने वाला प्याज लहसुन डाल के बोलते हैं कि हम खाते हैं तो भगवान भी खाएंगे, वो तो कई विधान नहीं है जबकि निषेध है, कलंजम न बख्शेद इत्यादि करके उसका निषेध भी किया है, ऐसे को भी डाल के बना करके भगवान को भी भगवान खाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, और जैसा रख रहा है वैसा ही वापस मिल रहा है, वो सोचता है क्या फर्क पड़ेगा, हम ऐसे खा रहे हैं हमको खाने को मिल रहा है, और बाकी ये ऐसा बनाएंगे जो भगवान को पसंद आएगा तो हमको टेस्ट नहीं आएगा तो वो मुश्किल है ना, ये ही है, इसीलिए ऐसा बनाना नहीं, इसका सब नियम है आपको इसका, ये तो इधर संक्षेप में है, इसका विस्तार में जाएंगे कल्पादि में देखेंगे तो पता चलेगा, उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, उसमें एक आगे पीछे नहीं कर, जैसा अभी प्रोक्षण करना है प्रोक्षण करना ही है, उसके बिना उसको करेंगे तो उससे फल नहीं होगा। इसलिए आजकल जो लोग जितने भी बोलते हैं ना ये कोई भी बात है सुनना नहीं चाहिए, वेद में है ऐसा करके मानना भी नहीं चाहिए सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी आगे पीछे देखते नहीं, अब सब लगा बाजार से सामान खरीद के ला के भोग लगा, तो सबसे गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए ना, आमणीयमश्नीयात आमस्तंभ की विधि है कि बाजार में बनाया हुआ खाना नहीं चाहिए, आपण मन पण के लिए रखा हुआ है जो बेचने के लिए रखा हुआ है तो बेचने के लिए जो भी है उसको खरीद करके खाना नहीं चाहिए, उसको ला करके खाना नहीं चाहिए, इसका मतलब पकाया हुआ
जो बिना पके हुए तो ले सकते हैं और उसको ला करके प्रोक्षण आदि करके पकाएंगे, वो खरीदने के विधान है। वो भी पैसा दे करके खरीदने का विधान नहीं है, बहुत कम है वेद में पैसा दे करके खरीदने का नहीं विधान। ऐसे गाय देते हैं या सोना देते हैं, चांदी देते हैं, सब देते हैं, सब करते हैं। जैसा अश्वमेध में ना अश्व को खरीदने जाता है, अश्वमेध प्रकरण बहुत सुंदर होता है, सबसे सुंदर उसका विधान है अश्वमेध, क्योंकि याग में बहुत बड़ा फल लेते हैं। तो घोड़ा खरीदने जाना पड़ेगा, घोड़ा का लाना पड़ेगा। अभी जहाँ से लक्षण युक्त जैसा अभी बोला है, इस प्रकार से रंग बिरंग सब चाहिए, ऐसा घोड़े को खरीदने जाएगा। अब घोड़े को जहाँ से खरीदेगा और जहाँ यागशाला है, जितना दूर वो चल के आएगा ना, घोड़े को चला के आना है, और उसका एक एक पैर रखेगा, उस एक एक पैर में एक एक सोने का ये डालना पड़ेगा। अब देखिए, अब बहुत दूर से आप लाएगा तो कितना आपको सोना डालना पड़ेगा, वो एक एक पैर रखेगा, वहाँ एक एक सोने का वो अपने बनाएंगे, सिक्के के हिसाब से कुछ बनाएंगे, डालते जाना पड़ेगा, और वो आप ले नहीं सकते, वो दूसरे लोग जो पीछे आएगा वो ले लेंगे, ऐसा खर्चीला है। अब कोई राजा महाराजा वो कर सकता है, अब आजकल कौन कर रहा है ये सब, ये तो घोड़ा लेकर के इधर हेलीकॉप्टर में घुमा करके नीचे लाते हैं फिर अश्वमेध करते हैं, तो कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। तो अश्व को खड़ा करके जो भी करते हैं, इसका मतलब बड़ा कठिन है वो, इसीलिए एक साल लगता है पूरा अश्वमेध होने में, बहुत पैसा भी खर्चा होता है, और राजा चक्रवर्ती ही कर सकता है, क्योंकि उसमें चार पत्नियों के द्वारा कार्य करने का विधान है, जिसके चार पत्नियां हैं वही कर सकता है। तो ये सब जो है बहुत लंबी चौड़े हुए उसके विस्तार। तो वो एक मुख्य पत्नी होगी, महारानी होगी, उनके सेवा करने के लिए ये सब वहाँ बताया है, तो वो सब चाहिए तभी वो कर सकता है। इस प्रकार से हर एक चीज में उन्होंने बहुत ध्यान दिया। अभी जैसा खरीदने के लिए गया सोमलता, सोमलता खरीदने जाने से इस विधान से जाना पड़ेगा, और उसने भी सोमलता कैसे ला के रखा है उसका भी कुछ नियम है, फिर कितना लाएंगे उसमें कुछ होगा, वहाँ भी बार्गेनिंग भी होता है, बार्गेनिंग का भी कुछ है, इनका मंत्र है, वो बोलते हैं, एक बोलेंगे दूसरा बोलेंगे, ऐसा बोल के फिर लाते हैं इसे, तो वो सब है नियम के अनुसार। तो यहाँ ब्रीहीन प्रोक्षदि में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ने पर भी इसमें अपूर्व की उत्पत्ति होती है। अपूर्व की उत्पत्ति हमारे वो उस कर्म के प्रति जो संबंध है और जो एकाग्रता हम बनाते हैं वो कर्म के साथ जो हमारा एक प्रकार से तादात्म्य बनता है, इससे उत्पन्न होता है, क्योंकि ये संस्कार में यजमान के संस्कार रूप से उत्पन्न होगा ना, तो ये सारे करेंगे तो उसमें उनको श्रद्धा रहेगी, ऐसा करके वो बनता है। एवं सर्वेषु अंगेषु, तो यहाँ ये कह देते हैं सामान्य रूप से, इस प्रकार से अन्य अंगों में भी बहुत सारे अंग आएंगे ऐसा, जिससे आपको देखने पर ऐसा लगता है जो व्यर्थ है, उससे सीधा कोई अर्थ प्रयोजन नहीं दिखता, ऐसा भी बहुत सारे अंग आएंगे। तो सभी अंगों में अंग अपूर्व के लिए ये करना ही पड़ता है ऐसा मानना है। एवं सर्वेषु अंगेषु अपूर्व प्रयुक्त अंगत्वं बोध्यम्, अपूर्व के द्वारा प्रयुक्त अंगत्व समझना चाहिए। इस प्रकार से ये ब्रीहीन अवहन ब्रीहीन प्रोक्षदि ये द्वितीया श्रुति है, द्वितीया श्रुति के द्वारा अंग भाव उत्पन्न हो गया, मैंने इसको समझ में आ गया। ये विभक्ति श्रुति का ही और भी उदाहरण देंगे, द्वितीया विभक्ति का, फिर सप्त विभक्ति का इत्यादि। ये पिंगम है ना, ये